नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के नव निर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव उत्तरांचल के विकास के लिए अपने चुनावी संकल्प को धरातल पर उतारने के क्रम में लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं और अपनी टीम के लोगों को निरंतर क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं के निदान संबंधी योजनाओं का संज्ञान लेने का निर्देश दे रखा है। इसी क्रम में आज भोजपुरी फिल्म के मशहूर कलाकार मनोज टाइगर उर्फ पतासा चाचा देवारा क्षेत्र का तूफान दौरा किया। बाढ़ की चपेट में आने वाले गाँव में जाकर लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लिया तथा उसके निदान के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित कराने की बात कही। इस अवसर पर क्षेत्र के विकास अग्रणी भूमिका निभा रहे संस्था देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव ने देवारा क्षेत्र की जनता के दुर्दीन दूर करने के उद्देश्य से देवारा में पधारने के लिए उनका एक अंगवस्त्र सजाकर स्वागत किया तथा देवारा क्षेत्र की समस्याओं के प्रति गंभीरता के लिए उनका आभार प्रकट किया। मनोज टाइगर ने बताया कि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने देवारा क्षेत्र में खासतौर पर उन्हें भेजा है और कहा है कि देवारा क्षेत्र में पूर्व बस सड़क सुविधा संपन्न अस्पताल आदि के लिए जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। इस मौके पर देवारा विकास सेवा समिति के प्रमुख पदाधिकारी रामचंद्र निषाद, राम दुलार यादव, विनोद यादव, विजय निषाद, चौधरी यादव, हरेंद्र यादव आदि लोग मौजूद रहे। चिकनावा बाजार में जैसा कि हम लोग वादा किए थे और हम ही नहीं उस वक्त भैया केदार भैया बता रहे थे और भैया बता रहे थे कि हर व्यक्ति निरहू हो गया था। निरहू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबने वादा किए हैं। अब यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है पुल, रोड, बांध, हॉस्पिटल। एक बात तो ये इन्होंने बताया कि रात में सांप काट लेता है, सारे सांप बाहर में निकलते हैं, घर में घुस जाते हैं और अगल बगल हॉस्पिटल नहीं होता। तो हॉस्पिटल, बांध, पुल, रोड और यहाँ से बनारस तक के लिए बस, ये हमारी मूलभूत समस्याओं का ये एक साल के अंदर हम लोगों का संकल्प है कि ये काम कराना है। माननीय सांसद निरवल देशमुख दिनेश लाल यादव जी इसके लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और ये हम सब लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। पूरा देवारा इसी दिन का इंतजार कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और उम्मीद तो बरकरार, उम्मीद तो दुनिया का है। नहीं नहीं सर, देवारा और अच्छा परिणाम देगा आगे। हम चुनाव के पहले भी इसी क्षेत्र में थे, चुनाव के बाद भी हैं।